डॉक्टर अंकुश वहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का शॉल पेपर जो अभी तक पीजीटी टीजीटी और अन्य बायोलॉजी एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें से बायोलॉजी में जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए उनका शॉल पेपर है ये और ये चैप्टर वाइज है। तो चैप्टर वाइज शॉल पेपर है यानी उन पेपरों से क्वेश्चन निकाले गए और जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और जिन मित्रों को अगर ये समस्या है कि क्लियर नहीं दिखाई देता है तो वो क्या करेंगे कि जाएंगे अपने यूट्यूब की सेटिंग पर, जैसे हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो कॉर्नर पर तीन बिंदु आते हैं, या सेटिंग ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ एक आपको मिलेगा वीडियो क्वालिटी या पिक्चर क्वालिटी, उस पर क्लिक करेंगे और 240 या 360 जैसे सेलेक्ट करेंगे बिल्कुल क्लियर दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप सेटिंग कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन, उससे पहले रिक्वेस्ट कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। डीएनए सेगमेंट विच पार्टिसिपेट इन क्रॉसिंग ओवर, डीएनए का खंड जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेता है वो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, रिकॉन। क्या कहलाता है, रिकॉन। रिकॉन क्या होता है, रिकॉन क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन की यूनिट होती है। यहाँ रिकॉम्बिनेशन होता है यानी टुकड़ों में अदला बदली होती है जिसे हम रिकॉन के नाम जानते हैं। म्यूटॉन यूनिट ऑफ म्यूटेशन, सिस्ट्रॉन यूनिट ऑफ फंक्शन, ऑपरॉन यूनिट ऑफ ऑपरॉन जो मॉडल दिया गया था उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड, कौन सा एक पैलेंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम का उदाहरण। तो पैलेंड्रोमिक का मतलब होता है जब हम शीशे पर लेके आते हैं तो आधा हिस्सा बिल्कुल सेम वैसा दूसरा हिस्सा आधा दिखाई देता है। तो देख लेते हैं उसी का आधा सेम कौन सा होगा, आप अलट पलट के देखेंगे तो सेम टू सेम दिखाई देगा। तो आप देख के बताइएगा तो वो कौन सा है, GAA-TTC। क्या है, GAA-TTC। अब इसका हम जी से कौन जुड़ेगा, जी से जुड़ेगा साइटोसिन, एडनिन से थायमिन, एडनिन से थायमिन, थायमिन से साइटोसिन, और मतलब थायमिन से एडनिन और इससे एडनिन और इससे ग्वानिन। तो देखिए जो इसका अपोजिट है बिल्कुल जो इसका दूसरा तैयार हो रहा है बिल्कुल सेम का सेम तैयार हो रहा है। तो इसको ऑप्शन क्या सही होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विजुअलाइजेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इज डन आफ्टर स्टेनिंग डीएनए विद, डीएनए को देखने के लिए डीएनए खंडों को रंजित किया जाता है एथिडियम ब्रोमाइड से, एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोइंग बाय द व्हाइट लाइट एक्सपोजर, एथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय यूवी लाइट, एथिडियम ब्रोमाइड के बाद यूवी प्रकाश की दीप्त से, एथिडियम फ्लोराइड के बाद। तो ये हम किससे करते हैं, एथिडियम ब्रोमाइड के बाद हम यूवी प्रकाश से दीप्त होता है, कैसे होता है, यूवी प्रकाश से दीप्त होता है। तो ऑप्शन सी सही, यानी एथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं और यूवी लाइट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ, तो देखिए न्यूक्लियोसाइड दिया है, तो क्या दिया है, न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है कि शुगर और बेस होता है, फास्फेट नहीं होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड जो होता है उसमें शुगर और बेस होता है बस, और फास्फेट नहीं होता है। तो इसमें तो ये ऑप्शन नहीं सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो पेंटोज शुगर नाइट्रोजन, तो यही सही, हमने आपको तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है, और ये फास्फेट है ये तो होगा नहीं, नन उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं तो ये बी है, ऑप्शन बी सही है। पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस न्यूक्लियोसाइड कहलाता है जब इस पे फास्फेट जुड़ जाता है, नहीं फास्फेट समूह पेंटोज शुगर ये तो न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। पॉलीमरेज चेन अपक्रिया की खोज किसने की थी, बहुत क्वेश्चन आता है, तो कैरी मुलस ने की थी, पीसीआर की खोज, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की खोज की थी, और इसके लिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसमें टैग पॉलीमरेज का यूज़ करते हैं, उसके बाद पीएफयू का, पीएफआर का करते हैं और वेंट का करते हैं, तीन का करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following changes is called in transversion? Transversion में क्या होता है, मतलब अदला बदली होती है, तो एडनिन थायमिन,
क्या होता है, ट्रांसवर्जन जो होता है वो क्या है, एडनीन थायमिन, एडनीन गुआनिन, साइटोसिन थायमिन, साइटोसिन यूरेसिल, तो वो है एडनीन और थायमिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोटेंट म्यूटेजन, तो जो सबसे ज़्यादा म्यूटेजन का काम करता है वो कौन सा है, तो वो है डी नाइट्रोसोगुआनिडीन है, ये बहुत ज़्यादा म्यूटेजन्स का काम करती है, इसके बारे में आपको जानकारी भी और दे दें, नज़र डालिएगा। मेथिल नाइट्रो नाइट्रोसोगुआनिडीन बोलते हैं इसको, यह एक कैंसर जन यानी कैंसर उत्पन्न करता है, कैंसर जन और उत्परिवर्तन जन यानी उत्परिवर्तन के रूप में प्रयोगात्मक इस्तेमाल किया एक जैव रासायनिक उपकरण है। यह ग्वानिन तथा थायमिन के O4 की O6 जो CNT के बीच संक्रमण म्यूटेशन को जन्म दे सकता है। ये चूंकि इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन हुआ है तो थोड़ा सा आपको इतना स्पष्ट नहीं है, तो आप ये तो समझ गए होंगे कि मेथिल नाइट्रो नाइट्रोसो ग्वानिडीन जो है ये क्या उत्पन्न करता है, तो यह मुख्यतः क्या उत्पन्न करता है, तो यह मुख्यतः उत्पन्न करता है कैंसर और म्यूटेजन्स को, ध्यान रखिएगा। मेथड्स ऑफ रैपिड सिक्वेंसिंग ऑफ DNA अप टू ए लेंथ ऑफ अराउंड 100 HP वाज डेवलप्ड बाय, तो बताइएगा लेंथ होगा यहाँ, लेंथ ऑफ अराउंड 100 HP वाज डेवलप्ड बाय, तो किसने डेवलप किया था, तो वो किया था सैंगर ने, किसने किया था सैंगर ने, ध्यान रखिएगा। जो मेथड्स ऑफ रैपिड सिक्वेंसिंग ऑफ DNA, तो देखिए सिक्वेंसिंग जो DNA सिक्वेंसिंग दी थी वो सैंगर ने दी थी, किसने दी थी सैंगर ने, ये बहुत याद रखना, जो DNA सिक्वेंसिंग दी थी वो सैंगर ने दी थी, और इस सैंगर से अभी तक 3 क्वेश्चन आ चुके हैं हमारे नॉलेज में, 3 क्वेश्चन हैं घुमा घुमा कर पूछा, एक जगह उसने पूछा था DNA सिक्वेंसिंग गिवन बाय, और ये देखिए उन्होंने 100 HP तक लिख दिया है तो भी सैंगर ही हैं, तो ऑप्शन इसका ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सैटेलाइट DNA, सैटेलाइट DNA क्या होता है, DNA इज रिप्लिकेटिव जीन्स, DNA ऑफ DNA ऑफ लाइकोप्रान, DNA ऑफ जंपिंग, तो इसका ऑप्शन होगा DNA ऑफ रिप्लिकेटिव जीन्स, तो उसे हम सैटेलाइट DNA के नाम से जानते हैं। चलिए सैटेलाइट DNA क्या होता है, सैटेलाइट DNA कंसिस्ट ऑफ वेरी लार्ज एरेज टू टेंडमली रिपीटिंग नॉन कोडिंग DNA, सैटेलाइट DNA इज द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर एंड फॉर्म द मेन स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, तो ये नॉन फंक्शनल होता है, भी आप ध्यान रखना नॉन फंक्शनल होता है यानी नॉन कोडिंग DNA होता है और सैटेलाइट DNA कहते हैं, और ये जो होता है मेन कंपोनेंट ऑफ फंक्शनल सेंट्रोमियर यानी सेंट्रोमियर का मेन फंक्शनल पार्ट होता है एंड फॉर्म द मेन स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा, शायद कभी इस तरह क्वेश्चन आ जाए। क्वेश्चन है एक कोडान कंसिस्ट ऑफ, तो 2 बेस 3 बेस 4 बेस, नॉन ऑफ दीज, तो 3 बेस पेयर्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। द लेंथ ऑफ ए कंप्लीट टर्न ऑफ DNA डबल, देख लेते हैं आगे क्या, DNA हेलिक्स, तो एक घुमाव DNA हेलिक्स क्या होता है, 3.4 NM होता है, तो ये ए सही है। फॉलोइंग कोडांस आर टर्मिनेशन ऑफ नॉनसेंस कोडान एक्सेप्शनल जो है, तो UAA, UAG और UGA, तो वो कौन सा है इसमें से, AUG जो है वो इनिशिएशन कोडान है और बकाया ये टर्मिनेशन कोडान है। ए पॉली ए सिक्वेंस इनवेरिएबली कोड्स फॉर, तो अब बताएगा, तो ये है लाइसिन, क्या है लाइसिन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए पॉली ए सिक्वेंस इन वेरिएबली कोड्स फॉर, तो वो है लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेस्टर्न किक आइडिया ऑफ सेमी कंजर्वेटिव DNA रेप्लिकेशन वाज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड टू, तो वो किसने किया था, तो वो किया था
मैसेल्सन ने, किसने किया था? मैसेल्सन, निकोलसन और मैसेल्सन ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी सही है। द ई कोलाई जीनेटिक कोड इज नॉट सिमिलर टू, किसके सिमिलर नहीं होंगे? तो वो जो माइटोकाइंडियल जीनेटिक कोड के सिमिलर नहीं होंगे। किसके सिमिलर नहीं होंगे? माइटोकाइंडियल जीनेटिक कोड के सिमिलर नहीं होंगे। बहुत उम्दा क्वेश्चन है। देखिए, ह्यूमन जीनेटिक कोड में क्या होगा, कुछ कोड मिल सकते हैं, और जीनेटिक कोड ऑफ बर्ड्स कुछ कोड मिल सकते हैं, और एल्गी में मिल सकते हैं, मगर माइटोकाइंडियल सेल के अंदर भी जो उसका डीएनए होता है, सेल के अंदर माइटोकांड्रिया, उसके अंदर डीएनए होता है, तो ये चीज माइटोकांड्रियल कंट्रोल करता है, तो उसकी फंक्शनिंग बिल्कुल माइटोकांड्रिया के अलग होती है, जबकि ये पूरी बॉडी के हैं, तो इसलिए ये बिल्कुल तीनों में से अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग इज मोस्ट हार्मफुल फॉर फ्यूचर जनरेशन, इनमें से फ्यूचर जनरेशन के लिए सबसे ज़्यादा हार्मफुल क्या है? तो वो है इन्वर्जन। क्या है? इन्वर्जन जो है वो हमारे जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए बहुत हानिकारक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अलग किस्म का क्वेश्चन है, और जनरल क्वेश्चन है जो किताबों में मोस्टली नहीं मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट स्टेन्स ऑफ क्लमाइडोमोनास आर सेंसिटिव टू स्ट्रेप्टोमाइसिन ए, दिया हुआ पर्टिकुलर स्टेन रिक्वायर्ड स्ट्रेप्टोमाइसिन इन द कल्चर मीडियम, दिस स्ट्रेप्टोमाइसिन डिपेंडेंस इन यूज टू, तो वो क्या करता है, जो प्लाज्मा जीन्स है वो उसके द्वारा यूज होता है। इफ रिकॉम्बिनेशन परसेंटेज ऑफ 10 द डिस्टेंस बिटवीन कंसर्न जीन्स ऑन ए क्रोमोसोम इन, तो इसका भी आगे देखते हैं क्या पूरा क्वेश्चन है। माइफ यूनिट बिल बी, तो सेम ही होगा, जितना उसमें दिया है मेजर उतना ही 10 है। टाटोमेरिज्म, जो टाटोमेरिज्म इज, टाटोमेरिज्म क्या होता है, पेयरिंग द प्यूरिन विथ पिरामिडिन को टाटोमेरिज्म बोलते हैं। इसकी तो ये टाटोमारिज्म है। टाटमर्स आर आइसोमर ऑफ द कंपाउंड विच डिफर्स ओनली इन द पोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, पोलेट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की पोजिशन चेंज हो जाती है। द कार्बन स्केल्टन ऑफ द कंपाउंड इज अनचेंज, मतलब उसका जो मेन कंपाउंड होता है वो नहीं चेंज होता है। ए रिएक्शन विच इन्वॉल्व सिंपल प्रोटॉन ट्रांसफर इन एन इंटरमालिकुलर फैशन इज कॉल्ड टाटोमेरिज्म, तो ये टाटोमेरिज्म है। और जहाँ चूंकि यहाँ आंसर जो दे रहा है, यहाँ होगा पेयरिंग ऑफ प्यूरिन एंड पिरिमिडिन। राइबो न्यूक्लियेजेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, राइबो न्यूक्लियेजेज उदाहरण है हाइड्रोलाइज का, लाइगेस का, ट्रांसफरेस का और लाइस का, तो ये किसका है, हाइड्रोलाइस का है। एग्जाम्पल किसका है, हाइड्रोलाइस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सर्व्स एज एन इंटर कैसलेटिंग एजेंट ऑफ डीएनए, इंटर कैसलेटिंग एजेंट जो डीएनए है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केमिकल सर्व एज एन इंटर कैसलेटिंग एजेंट ऑफ डीएनए, तो बताइएगा वो कौन सा है। नाइट्रोसो ग्वानिडीन, अभी हमने आपको बताया था कि ये म्यूटेशन भी उत्पन्न करता है, ये डीएनए के स्ट्रक्चर को चेंज करता है, ये कैंसर उत्पन्न करता है। एंटीकोडान लूप ऑफ टीआरएनए कंटेंस, तो वो क्या कंटेंस रहते हैं आप बताइएगा, तो वो क्या, 7 अनपेयर्ड बेस, 7 अयुग्मित क्षार। एंटीकोडान लूप ऑफ टीआरएनए कंटेंस, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मुझे 7 अनपेयर्ड बेस तो नहीं होंगे, 3 अनपेयर्ड बेस होते हैं, मेरा अपना मानना है कि 3 पेयर्ड नहीं होंगे, 3 अनपेयर्ड बेस होते हैं, और उसने 7 अनपेयर्ड तो मतलब नहीं दिया हुआ है, या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। इसमें लिखा है टीआरएनए के कूटरोधी लूप में पाए जाते हैं, तो कूटरोधी लूप में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, या तो स्ट्रक्चर इसका देख, यहाँ थोड़ा सा है कि यहाँ अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7,
अगर इस पूरे एंटीकोडान लूप की बात कर रहा है, चूंकि हमें लगता है लूप की बात कर रहा है, तो इसमें सात अनपेयर्ड, यहां देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो सात अनपेयर्ड जो पाए जा रहे हैं वो बेस पाए जा रहे हैं। और केवल एंटीकोडान की बात करेंगे तो जो रेड से दिख रहे हैं 1 2 3, तो इनकी बात कर रहा है तो तीन पाए जाएंगे। तो हमारे हिसाब से फिर इसका जो मतलब है वो यहाँ से है कि पूरे के पूरे लूप में कितने कोडांस पाए जा रहे हैं, तो वो सात होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ तक की बात कर रहा है एंटीकोडान लूप की, तो फिर सात होंगे। इसमें देखते हैं कितने, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, डी लूप में आठ हैं, ध्यान रखिएगा डी लूप में आठ हैं, और लास्ट में तो सीसीए होता ही है, तो ये ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 5 6, और एक लूप में छः हैं, तो 6 7 8 ऐसे चलेंगे, 6 7 8। तो टी साई सी लूप में जो हमें दिखाई दे रहे हैं उसमें संख्या है 6, और एंटीकोडान वाले एंटीकोडान लूप में है 7, और यहाँ है 8। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट आरएनए, इनमें से कौन सा छोटा आरएनए है, तो वो टीआरएनए है। लास्ट है डीएनए के द्विगुणन के समय लीडिंग सूत्र के संश्लेषण में प्रयुक्त एंजाइमों को क्रमबद्ध कीजिए, तो ये आप हमें आंसर अपने कमेंट्स बॉक्स में उपलब्ध कराएंगे। दूसरा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें, आप हमारी चैनल को ग्रोथ करने में मदद जरूर करेंगे। इसी के साथ नमस्कार, शुभ रात्रि।